हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती के लिए इन छात्रों के धरने के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों कि रात में इस ठिठुरती ठंड में ये अभ्यर्थी नए शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज दिन भर इन अभ्यर्थियों का धरना चला ऐसे ईआरटी लखनऊ पर, फिर बाद में इन्हें बसों में ठूस कर इको गार्डन भेज दिया गया, जैसा कि हर बार होता है। छात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसी वजह से इन छात्रों की बात को नहीं सुना गया, ना ही इन छात्रों से कोई ज्ञापन लिया गया नई भर्ती को लेकर। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हें पीटा भी गया है और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। तो आज रात में ये अभ्यर्थी अभी इको गार्डन में ही रुक रहे हैं, किसी तरीके से अपनी रात यहीं पर काटेंगे और कल से फिर धरना होगा। तो यदि आप इस धरने में आ सकते हैं, आसपास के एरिया से हैं, यदि आप लखनऊ के, तो ज़रूर पहुंचिए और अपने इन भाइयों का सपोर्ट करिए। शिक्षक भर्ती यदि आप चाहते हैं तो आपको अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखना ही होगा। शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे, शिक्षक भर्ती अधिकार हमारा, शिक्षक भर्ती लेके रहेंगे, शिक्षक भर्ती अधिकार हमारा, शिक्षक भर्ती अधिकार हमारा, शिक्षक भर्ती हम लेके रहेंगे, शिक्षक भर्ती हम छीन के लेंगे, शिक्षक भर्ती अधिकार हमारा, शिक्षक भर्ती हम लेके रहेंगे, शिक्षक भर्ती हम छीन के लेंगे, शिक्षक भर्ती अधिकार हमारा, शिक्षक भर्ती दे दो हमको, हमें मांगते हैं। एक दो तीन चार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, दो भर्ती दो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लखनऊ में जो रह रहे हैं, इलाहाबाद में, कानपुर में, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कल इको गार्डन पहुंचे। सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर अपना निवेदन है, जितने भी दोस्त, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, जो भी दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग सब कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। इनसे अपना निवेदन है कि आज हम लोग धरना दे रहे थे सीआरटी लखनऊ में, और लखनऊ में जब हम लोग धरना दे रहे थे तो यहाँ पर जो है सीआरटी में पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को पीटा गया है, और पीटने के बाद जो है सरासर जो है हम लोगों का अन्याय साफ की गई है। शिक्षक भर्ती के लिए कोई ज्ञापन नहीं लिया गया है, और जबरदस्ती हम लोगों को बसों में ठूस ठूस करके इको गार्डन में जो है लाया गया है, और हम लोग अनवरत जो है धरना यहाँ पर जारी रखेंगे। जब तक शिक्षक भर्ती सरकार नहीं दे देगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या हम लोगों को देख रहे हैं घरों में बैठ करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से, वो लोग जरूर से जरूर कम से कम हम लोगों को प्रोत्साहित करें और कम से कम जो है यहाँ पर संख्या में अधिक से अधिक आने कष्ट करें। जो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। साथ ही साथ 68,569 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से, तो वहाँ पर भी ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा।